सारे पैसे जो हैं आपके जो वीनस में है वो इसी व्यू के हैं। यहाँ पर जब आप वीनस में आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मिनी बांग्लादेश है। इस सिटी का एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो सैलाब वगैरह आते हैं। हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम वीनस से। और आज ही जो है हम वीनस पहुंचे थे अपने होटल के अंदर, हमने चेक इन किया है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है अभी हम लोग निकले हैं अपने होटल से बाहर वापस और जा रहे हैं वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले जो है वो आप ये चेक करें कि मैंने ये होटल कितने का लिया है और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं, ताकि अपकमिंग कोई भी आता है उसको भी एक आइडिया होगा यहाँ पर कितने में ऑलमोस्ट पर डे जो है वो एक्सपेंस आता है। एक अच्छा रूम है, सेपरेट रूम है कि मुझे बेड पड़ा है 51 यूरो का पड़ा है, तकरीबन 49 यूरो का पड़ा था, जिसके अंदर 12 बंक बेड थे और जो है कॉमन वॉशरूम था, मगर ये 2 यूरो के अंदर देने थे, जिसके अंदर मुझे बंक बेड भी जो जस्ट 2 हैं और 2 ये टोटल 4 बेड इस रूम के अंदर मौजूद हैं। और साथ ही जो है सबसे मेन बात ये है, अट्रैक्शन जो थी वो इसका वॉशरूम जो है वो प्राइवेट वॉशरूम था। इसकी जो मुझे कॉस्ट आई है वो 51 यूरो आई है। हर जगह के ऊपर जो है यही मेंशन है कि सिटी टैक्स आपको उसमें इंक्लूड नहीं होता, आने के बाद जो है 2 यूरो आपको पर नाइट के हिसाब से सिटी टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये जो है हमारे होटल का टूर था, तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस बाहर, क्योंकि ये सिटी फेमस है पानी की वजह से और यहाँ पर जो है आपको जगह जगह पानी नजर आएगा। और रिसेंटली पर एक और बात बताऊँ, मैंने जब आने से पहले चेक किया था कि इस सिटी का एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो सैलाब वगैरह आते हैं। अच्छा, इट्स इतने डेंजरस नहीं होते, ये लास्ट ईयर जो है सितंबर से लेके अप्रैल तक जो है वो यहाँ पर जो इशू हुआ था कि यहाँ पर जो है सैलाब आ गया था और जो है सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, तो यहाँ पर अक्सर जो है वो सैलाब वगैरह भी आते रहते हैं। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं खुद थोड़ा सा डर गया कि मैंने यार इस ईयर भी ऐसा ना हो कि ये कोई हमारा जो है सारा प्लान जो है बिल्कुल चौपट हो जाए, ख़राब हो जाए। तो खैर एनीवे अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, जो है अल्लाह का शुक्र है कि मौसम तो काफ़ी अच्छा है, वेदर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो ज़्यादा फेमस है वो तो इनकी नैरो गलियाँ वगैरह हैं जो इसकी वजह से काफ़ी फेमस है। उसके साथ ही साथ जो है वो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो काफ़ी फेमस है। सबसे बेस्ट ये है कि आपके पास जो है इधर मैप होना चाहिए, अगर मैप नहीं होगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस वे में जाना है। इस सिटी की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो है वो ये है कि कलरफुल बिल्डिंगें हैं और टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इटली आए, क्योंकि जब आप इटली आएंगे तो यहाँ पर पिज़्ज़ा और पास्ता तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसको डेफिनेटली आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। यहाँ के जो सीरियल्स होते हैं वो मिल रहे हैं। दूसरी जगह की मैं अगर बात करूँ इटली के अंदर, जो मैंने दूसरी मिलान में वगैरह में देखा था, वहाँ थोड़े कॉस्टली थे। वहाँ पर जो है 3 यूरो का जो है 4 यूरो का एक पीस मिलता है और 3 पीस जो है वो 10 यूरो के दे रहे थे, और यहाँ पर जो है वही चीज़ आपको जो है 10 यूरो के अंदर 4 पीस मिल रहे हैं। अच्छा, वीनस के अंदर जब आप इंटर होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, स्पेशली जो है ये स्टॉल यहाँ पर जगह जगह जो लगे हुए हैं सुवीरियल और जो गिफ्ट आइटम टाइप की चीज़ें जो सेल कर रहे हैं, इवन के शॉप के ऊपर भी आपको जो है वो फुल ऑफ बांग्लादेश आपको नज़र आएगा। भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बंगाली भाइयों की जो है बम्बार है, बहुत यहाँ पर रश है, यहाँ पर जगह जगह आपको जो है बांग्लादेश के लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये लोग जो है पहले काफ़ी टाइम पहले जो है माइग्रेट हो गए हैं और आपको जो है ना एक बहुत ज़्यादा तादाद मिलेगी बांग्लादेश की। मगर अगर देखा जाए यहाँ के होटल हॉस्टल वगैरह की बात करें और थोड़े खाने पीने की भी बात करें, उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सिटी के। क्योंकि होता ही है कि यहाँ पर जो है वो सीज़न चलता है, सीज़न के भी जो है वो अप्रैल मई तक, तो मई के बाद जो है अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको रेट जो है थोड़े कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, और अदरवाइज़ अगर आप सीज़न में आते हैं तो डेफिनेटली उसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अभी चल रहा है यहाँ पर पीक सीज़न, जिसकी वजह से जो है होटल और हॉस्टल वगैरह के प्राइस जो है थोड़े से ज़्यादा हैं। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है बोट की राइड गंडोला जिसको हम बोलते हैं उसकी है, उसकी जो है 40 मिनट की जो है 80 यूरो चार्ज करते हैं। इस तरीके से टाइम ज़्यादा होता जाता है उस हिसाब से पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते रहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइड है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रैंड किनाल है उसको ग्रैंड किनाल क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपके साथ बताऊँगा। उस ग्रैंड किनाल के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस चीज़ भी हुई थी, वो भी मैं आपके साथ वहीं जाके आपको बताता हूँ। क्योंकि होता ये है कि अगर आप इटली आए हैं और लोग कोई भी आपसे पूछेंगे कि आप जो है वह वीनस गए थे, तो फिर अगर आप वीनस नहीं आओगे तो आपको लोग बोलेंगे यार तुम इटली गए और वीनस नहीं गए। तो बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर आओ, भले से एक दिन के लिए आओ
और आके यहाँ पर जो है एंजॉय करो। सिटी जो है बर्थ टेबल है, क्योंकि वीनस का तो अपना ही एक नाम है भाई। ये देखो भाई, ये इस तरीके से छोटी छोटी गलियाँ हैं और भूल भलैया हैं, कहाँ जा रहा है ये रास्ता कुछ नहीं पता, बस जा रहा है। अगर आप जो है ओमान में रहते हो तो आपको इन गलियों को देख के जो है वो मथुरा याद आ जाएगा। यहाँ से जो है ये गली क्लोज हो गई। आप वीनस आएँ और इन गलियों को इंजॉय ना करें और खो ना जाएं। ऐसा भी होता है कि आप खो भी जाएंगे, मगर हर जगह के ऊपर जो है इंडिकेटर लगे हुए हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो एरो बने हुए होते हैं। तो ये एक जो है जंक्शन आ गया, यहाँ से जो है एक रास्ता बाहर की तरफ निकल रहा है, एक वापस बैक पे जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो इन गलियों को भी ज़रूर इंजॉय करें। अभी यहाँ पर जो है दोपहर के 3:30 के करीब हो रहा है और रेस्टोरेंट वगैरह जो है जिन्होंने अभी तक ब्रेक लंच वगैरह नहीं करा तो वो लोग तो लंच कर रहे हैं, और शाम के लिए जो है यहाँ पर थ्रू आउट द डे जो यहाँ पर चलता रहता है खाना पीना, मगर जो है स्पेशली जो है इवनिंग जैसे जैसे होगी ये रेस्टोरेंट वगैरह के ऊपर रश वगैरह बढ़ जाता है। रश इस गलियों के अंदर चेक करेंगे, पीक सीज़न चल रहा है, बिल्कुल गली चौक चल रही है और सीज़न जो है वो रश के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना इस वक्त रश हो रहा है, तो ये सीज़न कितना पीक पे है। इतना रश होगा तो फिर चीज़ों के तो रेट कुछ ना कुछ हाई होने ही हैं, तो इसी वजह से जो है चीज़ों के रेट हाई हो जाते हैं सीज़न के अंदर। अभी चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं रियाल्टो ब्रिज, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट बिजी ब्रिज में से एक ब्रिज है, और यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से लोग आते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इस तरीके से ब्रिज की तादाद की अगर हम बात करें मोर देन जो है 400 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर ब्रिजेस वगैरह मौजूद हैं। वन ऑफ द मोस्ट जो अट्रैक्टिव ब्रिज है वो है एकेडमिक ब्रिज के नाम से है, ग्रैंड किनाल से जो जाके कनेक्ट करता है, क्योंकि वो ब्रिज जो है दो आइसलैंड को मिलाता है, सैंड मोरक्को एंड सैंड पोल, यहाँ पर दो आइसलैंड है उन्हीं को ये कनेक्ट करता है उस ब्रिज के थ्रू। क्राउड बहुत ज़्यादा है, सेल्फी तो इटसेल्फ नहीं आई क्योंकि वो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो सूरज था, सूरज की वजह से जो है वो प्रॉपर लाइट्स वगैरह उधर नहीं आ रही थी। तो अभी हम लोग चलते हैं इस ब्रिज से वापस। रिलांटो ब्रिज के साथ जो है ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट्स है जहाँ पर लोग आके सेल्फी वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी आके आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। इस जगह से जो है ना पूरा ब्रिज का ओवरव्यू आता है, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। यहाँ वीनस की जो मेन अट्रैक्शन और खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर जो है ना वो बोट है और पानी है। जिस तरीके से हम लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ घर के बाहर पार्क करते हैं, यहाँ पर जो है जगह जगह गाड़ियों की जगह जो है वो बोट पार्क होती है, पर्सनल जो है हर किसी के पास अपनी अपनी बोट होती है। भाई अगर मैप नहीं है ना तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि ये सारा रास्ता ऑल दो के एक ही तरह का लगता है आपको, और जो है ना आप कहीं ना कहीं भूल भुलैया हो जाता है आपका। तो खैर अभी भूल भुलैया तो हो गया थोड़ा बहुत, और अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि किस वे में जाना है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं वापस उसी स्पॉट के ऊपर जहाँ पर से इंटर हुए थे। अगर स्पेशली आज के वेदर के हिसाब से बात की जाए ना, वेदर तो बहुत ज़बरदस्त है, जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी मिलान के अंदर, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ज़्यादा सर्दी हो। तो यहाँ पर जो है वेदर अभी जो है 14-15 डिग्री सेल्सियस है, मगर है बहुत ज़बरदस्त, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। आप जो है जैकेट या टी शर्ट वगैरह फुल आइसक्रीम की हो और आपने 2-3 टी शर्ट पहनी हुई तो इनफ है। वैसे तो आप कहीं पे भी घूमने फिरने जाएं आपको काफ़ी स्टेमिना चाहिए होता है, और स्पेशली अगर आप वीनस आते हैं तो आपको जो है ना काफ़ी स्टेमिना चाहिए, चलने फिरने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और दूसरी सिटी की तरह जो है इतने ज़्यादा बोल ले भाई तू, यहाँ पर और दूसरी सिटी की तरह जो है ऐसे रोड वगैरह मौजूद नहीं है जो आप टैक्सी ले लें या ऐसे घूमते फिरते पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पर नैरो स्ट्रीट हैं, गलियाँ हैं, और इसी तरीके से लोग ज़्यादातर वॉक करते हैं। अगर आपकी वॉक की आदत नहीं है ना तो बस आप यहाँ पर आके जो है शायद बहुत जल्दी बेजार भी हो जाओ। ये सारी जो है टैक्सीज खड़ी हुई हैं, ये आपको जो है प्राइवेटली पूरे इस ग्रैंड कैनाल का जो है वो टूर करवाएंगी। इसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कहाँ कहाँ तक आपको जाना है, जो है एटलीस्ट जो है 20-25 यूरो से कम नहीं है। फाइनली जो है एरो को फॉलो करते 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 हम लोग पहुँच गए हैं एकेडमिक ब्रिज। इसके सराउंडिंग में कलरफुल बिल्डिंग्स हैं जिसकी वजह से इसके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ये जो है वो मेन ग्रैंड कैनाल है। इस ग्रैंड कैनाल को ग्रैंड कैनाल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि वीनस में कहीं पे भी जो है रोड मौजूद नहीं है। ये समझ लें छोटी छोटी जो गलियां हैं उनमें जो किनाल है वो आप स्ट्रीट किनाल कह लें, और ये जो है मेन किनाल, ये जो है वीनस का हाईवे, इसलिए इसको जो है ग्रैंड किनाल कहते हैं। इसी ग्रैंड किनाल के ऊपर जो है वो एक अमिताभ बच्चन का काफ़ी फेमस सॉन्ग था जो कंडोला के साथ जो है फिल्माया गया था, तो आप पता है क्या उसका साउंड है,
मगर यह कि इसी वीनस के अंदर जो है वो उस गाने को भी फिल्माया गया था। तो यही वो ब्रिज है जिसके ऊपर जो है ज़्यादातर लोग आते हैं और यहाँ से जो है आप सनसेट को जो है इंजॉय करते हैं। नॉर्मली तो यहाँ पर सनसेट नज़र नहीं आता, मगर जितनी यहाँ पर बिल्डिंग्स कलरफुल हैं उसका जो शेड आ रहा होता है वही सनसेट होता है। यहाँ तो ऐसा है कि आप जितनी देर भी खड़े रहो आप बोर नहीं होगे, क्योंकि व्यू इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। लोग टाइम टू टाइम आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिर दूसरी साइड पर उतर जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। पूरे वीनस का मेन जो अट्रैक्शन है वो इसी ब्रिज का है। सारे पैसे जो हैं आपके जो वीनस में है वो इसी व्यू के हैं। यहाँ पर जो है सनसेट से पहले जो है इसी ब्रिज के ऊपर आते हैं और सनसेट को यहाँ पर इंजॉय करते हैं। कुछ लोग जो है वो कैमरा वगैरह लगा के भी उसको कैप्चर कर रहे होते हैं, टाइम लाइन्स ले रहते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में, फ्रॉम इटली। वेनिस के अंदर जो है आपको जगह जगह इस तरीके से ये शॉप्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी और आपको लोग भी नज़र आएंगे इस तरीके से जो है मास्क वगैरह चेहरे के ऊपर लगाया हुआ होता है। कोई इनका ट्रेडिशनल है या कोई चीज़ है इनकी जो ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बाकी जो है वेनिस के अंदर मेन जो पैसे हैं वो इन्हीं गलियों के हैं और इसके सराउंडिंग में जो अट्रैक्शन मौजूद है उस चीज़ के हैं। बस जो है हम लोग एरो को फॉलो कर रहे हैं और एरो के साथ साथ जो है वो पहुँच रहे हैं एकेडमिया ब्रिज।